वेरी गुड मॉर्निंग का स्वागत है कॉमेंट है. सेक्शन तो में एक बार कंफर्म कर दीजिए इज एवरी थुड मॉर्निंग जी वेरी गुड मॉर्निंग शिल्पी सुरेंद्र सिद्धार्थ सौरभ अर्पिता पवन शालिनी शनी अरविंद Very good morning, सभी को so, चलिए शुरू करते हैं जैसा कि आपको पता है ये सेशन डेली सुबह आठ बजे यहीं पे होता है इसी चैनल पे होता है ये नया नया पता है इस चैनल का हाँ इस पर्टिकुलर सेशन का और यहाँ पे दो आर्टिकल हम डिस्कस करते हैं पहला आर्टिकल जो है वो फिलोसफी बेस्ड आर्टिकल होता है जिसके पीछे वो यही है कि फिलासफ़ी बेस्ड पैसेजेस की आपकी समझ बेहतर हो बिकॉज हर तरह के एग्ज़ाम में जो भी अच्छे लेवल के एग्जाम हैं वहाँ क्वेश्चन फिलासफ़ी बेस्ड पैसेजेस से सोर्स किए जाते हैं तो बहुत सारे लोगों के लिए वो चैलेंज होता है और साथ ही साथ वो हमारे सेल्फ अवेयरनेस सेल्फ डेवलपमेंट सेल्फ ग्रोथ के लिए भी काम करता है मॉर्निंग का एक मोटिवेशन डोज भी होता है वहाँ हम फास्ट रीडिंग प्रैक्टिस करते हैं यानी स्किमिंग करते हैं उसके बाद होती है वो कैबलरी द हिंदू की फिर होता है आर्टिकल फिर आर्टिकल की समरी इडियम और फिर उस पर्टिकुलर आर्टिकल के ऊपर बेस्ड तो एक होलसम पैकेज है आपके लिए ये तो आइए शुरू करते हैं दिस इज द टेबल ऑफ सबसे पहले हम आर्टिकल फॉर स्किमिंग से शुरुआत करेंगे कल कुछ लोग स्किमिंग का मतलब पूछ रहे थे स्किमिंग होती है फास्ट रीडिंग बिकॉज वो स्किल हमारे लिए बहुत ही जरूरी है बिकॉज एग्जाम में जब आपके पास लंबे लंबे पैसेजेस होते हैं चाहे वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हो क्लोज टेस्ट में हो या आप रीजनिंग में बात करो तो पजल्स में है सिटिंग अरेंजमेंट में है डी के क्वेश्चन में मैथ्स में पैसेजेस हैं तो बहुत सारे लोगों की जो फास्ट रीडिंग की स्पीड है ना वो उतनी अच्छी नहीं होती जिसको हम डब्ल्यू कहते हैं वर्ड पर मिनट क्योंकि हमारे प्रोसेसर की स्पीड उतनी अच्छी नहीं होती जिस स्पीड से हम पढ़ते हैं उस स्पीड से हम समझ नहीं पाते राइट तो ये जो रीडिंग एक्टिविटी यहाँ पे हो रही है इससे धीरे धीरे आपके जो मेंटल स्टेमिना है वो भी इम्प्रूव होगी और आर्टिकल्स को पढ़ने और समझने की ताकत भी बेहतर होगी ठीक है तो स्कीमिंग का मतलब फास्ट रीडिंग के एक आर्टिकल को पढ़ के काम की बात आप निकाल सकें तो सबसे पहला आर्टिकल हमारे सामने है ग्रेटिट्यूड एंड हैप्पीनेस छोटा सा पैसेस। ग्रेटिट्यूड क्या होती है कृतज्ञता होती है खुशी होती है आप जानते हैं वी ऑफ एन टू टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड इन आवर लाइफ विच बिकम्स अ रीजन फॉर आवर मिजरी

आइए अब एक एक लाइन पढ़ के फटाफट समझ लेते हैं वी ऑफ़न टेन टू टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड इन आवर लाइफ इसका क्या मतलब है कि हम बहुत बार जिंदगी में चीज़ों को ना फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं फॉर ग्रांटेड का मतलब समझ रहे हो आप मतलब आप उन चीज़ों को वैल्यू नहीं करते अब कई बार जैसे अपने ही जीवन को हम फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं फिर किसी और को देखते हैं जो बड़े संघर्षों में है बहुत परेशानियों में है तब आपको लगता है अच्छा हाँ आपका जीवन तो बहुत बेहतर है रीजन फॉर आवर मिजरी तो अगर आप चीजों को फॉर ग्रांटेड लेंगे चीजों को वैल्यू नहीं करेंगे ना तो फिर धीरे धीरे यही हमारे मिजरी का हमारे दुख का कष्ट का कारण बन जाता है ग्रेटिट्यूड क्या बीस्टो करता है आपके अंदर इमेन्स हैपीनेस बोथ टू द गिवर एंड द रिसीवर वेन ऑफर्ड विट यह बड़ा इंपॉर्टेंट है ड्रामा वाले तरीके से नहीं जिसको हम कहते हैं कि प्लास्टिक स्माइल वॉट वी से एक तो होता है ना आप किसी को मिले और बहुत ही प्लास्टिक तरीके से आपने हेलो कहा और इस तरह की चीजें तो पता लग जाता है कि इट्स नॉट जेनुन लेकिन अगर प्योरिटी ऑफ हार्ट से आप किसी को थैंक यू बोल रहे हैं तो जो बोल रहा होता है उसको भी अच्छा लग रहा होता है कि यार इसकी वजह से मेरे लिए चीज़ें आसान हुई हैं और जिसको वो मिल रहा होता है ग्रेटिट्यूड उसको भी खुशी होती है कि चलो कम से कम सामने वाला मेरी चीज़ों को रिस्पेक्ट कर रहा है जो मैंने इसके अंदर वैल्यू एडिशन करी उसकी इसको रिकग्नाइज तो कर रहा है ये कम से कम सिंपल थैंक यू कैन ट्रांसफॉर्म सिचुएशन रिलेशनशिप डायमेटी के साथ बोला जा रहा है तो वो आप संबंधों को और सिचुएशन को पूरी तरह से बदल देता है सर्विस ऑफ मैनकाइंडलेसनेस इज अचुरल आउटकम ऑफ ग्रेटिट्यूड अब देखो दो कौमा के बीच में ये बात आ कि जब, जब आप सर्विस ऑफ मैनकाइंड करते हैं आम लोगों के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं लेकिन एक सेल्फलेसनेस के भाव से तो ये नेचुरल आउटकम होता है ग्रेटिट्यूड का इसका क्या मतलब कि भाई नेचुरल आउटकम है उसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ती ग्रेटिट्यूड शुड ऑल्सो नॉट बी विद एन एक्सपेक्टेशन ऑफ द ग्रीटिंग और टू बी रिटर्न और कृतज्ञता इस भाव से भी नहीं करना कि भाई मैं कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा हूं इनको तो सामने से भी मुझे मिलेगा तो इसमें सामने से आएगा या नहीं आएगा ये वाला भाव भी

ंग दसेंस ऑफ निरंकार इन दैम इट बिकम्स अ रीजन फॉर ब्लिस जो आए तो वही वाली बात सीधी सिंपल सी बात है एक एग्जाम्पल ले लिया कि भाई अगर आप किसी को पानी भी पिला रहे हैं ना यू आर ऑफरिंग अ ग्लास ऑफ वाटर टू समन लेकिन उसमें ग्रेटिट्यूड और सेल्फलेसनेस का भाव है क्योंकि आप उसमें उस निरंकार का इसेंस देख रहे हैं एक ओंकार का इसेंस देख रहे हैं उस एक सत्ता का जो सभी चीजों को ऑपरेट करती है और हर चीज से मैनिफेस्ट होती है उसको आप देख पा रहे हैं और इसलिए आप वो सेवा भाव कर रहे हैं तो डेफिनेटली वहां पे ग्रेटिट्यूड वहां पे कोई मोरालिटी और नैतिकता के लेसन की जरूरत नहीं है बिकॉज आपने वो आंखें और वो समझ डेवलप कर ली है कि इसमें भी तो वही बसता है और उस निरंकार को जब आपने देख लिया तो फिर एक सेल्फलेस भाव से आप सेवा करते हैं और वही आपके ब्लिस और जॉय का कारण बनता है देखो शब्दों में बड़ा फर्क होता है ब्लिस एंड जॉय जो है ना ये हाइएस्ट स्टेट ऑफ हैप्पीनेस है जैसे छोटा बच्चा जो होता है वो एब्सोल्युटली ब्लिस्ड आउट होता है वो बिल्कुल जॉयफुल मोड में होता है जबकि प्लेजर जो है वो हमेशा टेम्प्ररी होगा एंड विल ऑलवेज बी डिपेंडेंट ऑन सम एक्सटर्नल फैक्टर किसी चीज की वजह से थोड़ी देर बहुत सुख मिला आपको हाई मिला जब से वो चीज हटाई जाएगी आप तुरंत डाउन फील करोगे वो प्लेजर होता है तो प्लेजर विल ऑलवेज भी शॉर्ट लिफ्ट एंड विल ऑलवेज भी डिपेंडेंट ऑन सम एक्सटर्नल फैक्टर बट जो आई एंड ब्लिस डाउट योर नेचुरल स्टेट तो ये था छोटा सा पैराग्राफ यहाँ पे ग्रेटिट्यूड की महिमा आपको बताई गई थी आई थिंक बात समझ में आ गई आइए सभी को क्लियर हो गया हाजी एवरी वन क्लियर है कोई कंफ्यूजन यहां पे नहीं, नहीं? चलो चलते हैं अब वो वर्ड्स की तरफ डेली क्या एनालिसिस पहला जो शब्द है हमारे पास वो है एंडियोर एंडियोर वर्ब है क्या बनता है नाउन इससे नाउन बन जाता है एंड्योरेंस मीनिंग क्या है टू सफर समथिंग डिफिकल्ट एंड एंड पेनफुल अगर कोई चीज़ जो बड़ी अनप्लेजेंट है दर्दनायक दर्दनाक है आपके लिए और यू नो डिफ़िकल्ट है और आप उसको बर्दाश्त करें तो वही करना होता है एंड्योर करना यहाँ पे डी यू आर अपने आप में रूट वर्ड होता है और एक्चुअली यहीं से शब्द आता है आपका ड्यूरेबल भी जो चीज़ ड्यूरेबल होती है वो क्या होती है टिकाऊ होती है उसकी एंड्योरेंस कैपेसिटी जो है बर्दाश्त करने की जो क्षमता है वो ज़्यादा होती है वही है बेयर करना सफ़र टॉलरेट आसान से शब्द हैं बेयर जो है ये ग्रामर uh, में भी आपको बहुत कंफ्यूजन होती है कंफ्यूजिंग पेयर में ये बेयर बोर बोर्न और होता है बेयर बोर बोर्न और ये वाले बॉर्न में आपको एक्स्ट्रा ई मिल जाता है तो क्या uh, जो है डिफरेंस है इन दोनों में जी वॉट इज द डिफरेंस अंकुश कह रहे हैं सर मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं आता कि न्यूज़पेपर में क्या पढ़ें कैसे पढ़ें क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या पढ़ना होता है येस yes. अब मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा अंकुश इसी चैनल पे दैट आपको न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना होता है वैसे वो सब बैचेज में डिस्कस होता है जो क्लासेज होती हैं वहाँ रीडिंग कॉम्प्रिहशन की बिल्कुल स्टार्टिंग में आई डू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स कि कौन से न्यूज़ पढ़ने हैं न्यूज़ कैसे पढ़ना होता है किन किन एरियाज़ को पढ़ना होता है तो वी डिस्कस मतलब वी का मतलब आई डिस्कस मैं वो हर एक बैच के अंदर जो करियर वेल्थ पे आता है ना कोर्स वहां मैं डिस्कशन करता हूं उसका बट यहां पे एक यहाँ वीडियो भी मैं बना दूंगा चलिए अगला जो शब्द है वो है फेस्टर अच्छा शब्द है जी ये वाले बेर का फर्क पता लग गया ना ये तो पैदाइश वाला बियर है और ये बियर जो है वो टॉलरेट करना बर्दाश्त करना वही मतलब होता है जो यहाँ पे दिख रहा है आपको इसीलिए अगर किसी को ऐसा दर्द हो रहा है जो बर्दाश्त न किया जा सके तो उसे हम क्या कहते हैं अनबेरेबल पेन हो रहा है अनबेरेबल यानी जिसको बर्दाश्त न किया जा सके तो इस बेयर का मतलब ढोना सहना बर्दाश्त करना ये सारा होता है हाँ जी अगला शब्द फेस्टर वर्ब है मतलब क्या है टू बिकम इन्फेक्टेड एंड प्रोड्यूस पस आर टू गेट वर्स इट्स बेटर टू एक्सप्रेस योर एंगर देन लेट इट फेस्टर इन साइड यू रॉट प्यूट्रीफाई डिके ये सिननीम है तो फेस्टर का मतलब वही है कि कोई चीज जो है वो अंदर अंदर सड़ गई हो घाव बन गई हो और पस प्रोड्यूस करने लग जाए डेफिनेटली तो अब इसका क्या मतलब है कि वो चीजें खराब होती जा रही हैं एग्जाम्पल देखो इट्स बेटर टू एक्सप्रेस योर एंगर अगर तुम्हें गुस्सा है या कोई भाव है तो उसको बेहतर है कि तुम उसको उसको एक्सप्रेस कर कर दो उसको जाहिर कर दो जाहिर देन लेट इट फेस्टर यू बिकॉज ये जो एक नेगेटिव इमोशन है अगर वो आपके अंदर ही रह गया ना तो फिर वो आपको सड़ाता और गलाता रहता है सो दैट्स द मीनिंग ओवर हियर सिनोनिम वही है रॉट प्यूट्रीफाई डिके प्यूटिफाई अच्छा शब्द ध्यान में रखिएगा रॉट तो आपको पता है सड़ना रॉटिंग और डिके भी वही है क्षरण होना धीरे धीरे जबकि हील मेन मेंड और ये है चीजों का बेहतर होना इसी मेंड से फिर आपके पास आता है अमेंड अमेंडमेंट किसी चीज को अमेंड करना अगला शब्द है मैग्मा मोल्टन मटीरियल बीनीथ और विद इन द अर्थ क्रस्ट फ्रॉम विच इग्निस इग्नस रॉक इज फॉर्मड सो वही है मैग्मा ये सब आपने ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ है तो जो मोल्टन मटीरियल है बीनीथ और विद इन द अर्थ क्रस्ट उसको मैग्मा कहते हैं वॉलैनो इरप्टेड स्प्यूइंग मैगमा इन टू द एयर तो बॉलैनो जो है वो इरप्ट हुआ ज्वालामुखी फटा और उसने क्या स्प्यू किया स्प्यू का मतलब यह स्प्यू वेनम भी आपको सुनने पढ़ने को मिलता है खासतौर से सांपों के लिए स्नेक्स के लिए कि भाई किसी सांप ने अपना जहर जो है वो स्प्यू किया स्प्यूइंग वेनम तो वही है स्प्यूइंग मैगमा इंटू द एयर तो फिर जब ज्वालामुखी फटेगा तो अंदर का मैगमा बाहर आएगा वही लावा है मोल्टन रॉक जिसको बोल सकते हो आप कोई डायरेक्ट टेंटनिंग तो ऐसा होता नहीं अगला है इंडिजिनस इंडिजिनस के साथ दो और शब्द हैं जो कंफ्यूजिंग हैं जो आपको पता होने चाहिए और वो है इंजीनियस और इंजिनस अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखना तो इंडिजिनस जो है उसका क्या मतलब है जो चीज एग्जिस्टिंग नेचुरली और हैविंग ऑलवेज लिव्ड इन अ प्लेस आर रिलेटिंग टू द ओरिजिनल पीपल ऑफ अ प्लेस वही है इंडिजिनस पीपल जिसको आप नेटिव कहते हैं जो बड़ा देसी है लोकल है सो द इंडिजिनस पॉपुलेशन हैज़ लॉन्ग सफर्ड एक्सक्लूजन एंड प्रोफाउंड इनजस्टिस इसका मतलब हाँ बहुत अच्छा है अब औरल अनुराग ने शब्द बताया बहुत बढ़िया तो जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है वो लंबे समय तक एक्सक्लूजन सफर करती रही इसका मतलब क्या कि उनको मेन स्ट्रीम सोसाइटी का पार्ट जो है वो नहीं बनाया गया एंड प्रोफाउंड इनजस्टिस का सामना उनको करना पड़ा तो वही है नेटिव पीपल अब ऑरिजिनल लोकल और फॉरेन एलियन और नॉन नेटिव जो है ये इसका ऑपोजिट हो गया एलियन में देखो ए एल आई जो है ये अपने आप में रूट वर्ड है और एल आई का मतलब अदर होता है ऑल्टर का मतलब भी अदर होता है एल आई का मतलब भी अदर होता है और इसी ए एल आई से एक और शब्द आता है एल आई बी जो लीगल टर्म है और एल आई बी का मतलब क्या जब आप कोर्ट में ये साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं दैट आई वॉज एट अदर प्लेस बिकॉज ए एल आई का मतलब है अदर आई वॉज एट सम अदर प्लेस एट द टाइम ऑफ क्राइम मतलब जब आप मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं लेकिन जब ये अपराध हुआ तो उस समय मैं कहीं और था तो उस उसी को हम क्या कहते हैं एल आई बी एलियन शब्द भी वहीं से आता है हमने बचपन से एलियन रट लिया पर ग्रही दूसरे ग्रह पर रहने वाला बट एलियन शब्द वही है जो अलग आइडेंटिटी रखता हो इसी से शब्द आपके पास आता है एलियनेट करना एलियनेट करना जो है ये वर्ब है एक्चुअली एलियनेट करना इट्स अ वर्ब और इसका मतलब क्या कि आप किसी को अलग थलग कर रहे हैं इवन पुराने समय में जो साइकाइट्रिस्ट होते थे ना उनको भी एलियनिस्ट कहा जाता था ये भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है तो एलियनिस्ट क्यों कहते थे उनको साइकाइट्रिस्ट को क्योंकि भाई साइकाइट्रिस्ट के पास जाने की जरूरत किसकी है जिसको दिमाग की बीमारी है और इसके ऊपर दिमाग की बीमारी जिसको हो जाती थी लोग समझते थे इसके ऊपर ना कुछ और साया है किसी और ग्रह का साया है कुछ इसके ऊपर छा गया है तो डेफिनेटली ऐसे लोगों का इलाज अच्छा ये वाला डॉक्टर करता है। तो उसको क्या बोलने ये है। तो की बात नहीं हुई इंजीनियस का मतलब होता है जो इंसान बहुत ही इन्वेंटिव हो इसको जीनियस से दिमाग में रख लें वैसे जीनियस के स्पेलिंग में वो नहीं होता तो इंजीनियस इंसान बहुत ही इन्वेंटिव होता है वो इन द हीट ऑफ द मोमेंट कोई नई चीज सोच सकता है राइट जबकि इनजेनुअस इंसान जो है ना इसको जेनुन से याद रख सकते हो जी एन यू लिखा हुआ है इसका मतलब ये बड़ा ही सा इंसान होता है बहुत ही सीधा साधा होता है सिंपलटन होता है ठीक है दिस इज वॉट दैट इज इनजेनुअस ये कहानी है यहां पर अगला शब्द है स्ल्यू लार्ज अमाउंट और नंबर जिसे हम कहते हैं ना स्ल्यू ऑफ इसमें बहुत सारे टर्म और भी हैं जैसे मल्टीट्यूड ऑफ प्लेथरा ऑफ ये सारे आप यूज करते हो प्लेथरा ऑफ ऑप्शन मल्टीट्यूड ऑफ ऑप्शन असल्यू ऑफ ऑप्शन और असल्यू ऑफ मेजर्स एक और गैमट शब्द भी आता है वो भी लिख लो गैमट ऑफ समथिंग तो इन सभी के साथ ऑफ लगा करके आप राइट यूज करते हो देखो यहां पे भी स्ल्यू ऑफ लिखा हुआ है ना

तो यानी हम के उसी पार्ट्स के साथ इंटरेस्टेड हैं, जो कि लोकल मुद्दों के साथ संबंधित है तो का मतलब संबंधित होना बहुत ही आसान सा शब्द है ठीक है ध्यान रखिए वही है रिलेट करना रेफर करना अप्लाई करना एक्सक्लूड डिसनेक्ट जो है वो इसका ऑपोजिट हो गया मिशनरीज नाउन हैज बीन सेंट टू फॉरेन कंट्री

उस धर्म में जोड़ना तो प्रोसेलिटाइडिंग टेंडेंसी क्या होती है थोड़ा इस पर सर्च करिएगा वर्ड पता नहीं है ढूंढिएगा पता है तो कमेंट में अभी भी लिख सकते हैं तो वही है जो इवेंजलिस्ट है प्रीचर है अपॉसल नॉन विलिबल अथीस्ट एग्नोस्टिक जो है वो इसका ऑपोजिट हो गया बिकॉज डेफिनेटली जो मिशनरी का काम करने वाला व्यक्ति है आ, ना ना अनुराग स्पेलिंग सही करनी पड़ेगी दुबे जी की स्पेलिंग जो है वो सही है आरपी मिश्रा बिल्कुल करेक्ट है इनकरेक्ट प्रोसेलिटाइजिंग टेंडेंसी तो अब उसमें वही होता है कि आप किसी तरह का आकर्षण दे करके लोगों को बहला फुसला करके अपने धर्म में लेके आ रहे हैं ठीक है थीके? अब यहाँ पे ये यह एग्नोस्टिक जो वर्ड है देखो ये भी पहले भी चर्चा हुई है आपके साथ ये जी एन ओ एस रूट वर्ड है किसके लिए जानने के लिए नॉलेज के लिए और अ जो लग गया ये नेगेटिव इफेक्ट हो गया तो एग्नोस्टिक जो इंसान होता है एक्चुअली ही सिंसियर एनफ टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट आई डू नॉट नो राइट वो इस बात को एक्सेप्ट करता है कि जी मैं जानता नहीं और जानता नहीं तो इसीलिए सीकर होता है नॉन बिलीवर एक अलग सी बात हो गई जैसे थीस्ट अथीस्ट आस्तिक है और नास्तिक है लेकिन एग्नोस्टिक न तो आस्तिक है न तो नास्तिक है कहता जी मैं कोई मानने वाला नहीं हूँ क्योंकि ये कहेगा मैं भगवान को मानता हूँ ये कहेगा मैं भगवान को नहीं मानता ये कहता जी आई डू नॉट नो आई एम सिंसियर अनफ टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट आई डू नॉट नो आई एम द पाथ ऑफ सीकिंग आई एम द पाथ ऑफ नोइंग जानने के रास्ते पे हूँ मुझे नहीं पता एग्नोस्टिक वही ड यहीं से डायग्नोसिस प्रोग्नोसिस प्रोग्नोस्टिकेट सारे शब्द आते हैं और टी एच ई आई जो रूटवर्ड है ये भी गॉड के लिए रूटवर्ड है यहीं से एंड फिर आपका अथिजम पैंथिज्म राइट फिलोथिज्म मिजोथिज्म ये सारे शब्द आते हैं फॉर्मिडेबल फॉर्मिडेबल क्या होता है कॉजिंग यू टू हैव फेयर रिस्पेक्ट फॉर समथिंग और और समवन बिकॉज दैट थिंग पर्सन इज लार्ज पावरफुल और डिफिकल्ट ये आप स्पोर्ट्स में भी बहुत सुनते हो आपने कई बार सुना होगा फॉर्मिडेबल ओपोनेंट फॉर्मिडेबल ओपोनेंट का क्या मतलब है कि जो आपका ओपोनेंट है जो आपके अपोजिशन में है जो आपके जिस जिस टीम के साथ आप खेल रहे हैं वो काफी अच्छी है राइट वो टीम काफी अच्छी है उसका कैलेवर काफी अच्छा है इसीलिए कॉजिंग यू टू हैव फियर और रिस्पेक्ट फॉर समथिंग और सम वन बिकॉज दैट थिंग और पर्सन इज लार्ज पावरफुल और डिफिकल्ट तो अगर आपकी सामने वाली जो टीम है ना वो बेहतर है खेल में जो अपोनेंट है वो बेहतर है तो डेफिनेटली आपको क्या होगा आपके मन में एक डर भी होता है और एक रिस्पेक्ट भी होता है कि यार क्या बात है इस इंसान में या इस चीज में ज्यादा दम है तो इसीलिए कहते हैं वो कि वो फॉर्मेटेबल ओपोनेट है यानी जो आपकी विरोधी टीम है अगर वो मजबूत है तो उसके लिए इस्तेमाल होता है स्पोर्ट्स में भी द माउंटेंस वर अ फॉर्मेटेबल बैरियर द माउंटेंस वर अ फॉर्मेटेबल बैरियर एक फॉर्मेटेबल बैरियर है मतलब इतने ऊंचे कि अगर इनको जीत जाए तो बड़ी सी बात होगी वो लक्ष्य मूवी में जो सीन है ना सीधी पहाड़ी पे चढ़ते हैं उस फिल्म को भी आई थिंक करीब करीब 20 साल हो गए ऋतिक रोशन फरहान अख्तर की फिल्म थी सेकंड फिल्म थी आई थिंक हल हर हाल में पाना है इंटीमिडियॉन्ट डॉन्टिंग फेयर सम तो ये फेयर सम है इंटीमिडियट में देखो टिम जो है ये रूट वर्ड है टिम का मतलब होता है फियर इसीलिए जो बचपन से शब्द पढ़ रहे हो आप टिमिड ये कौन होता है ये कायर होता है जिसके अंदर डर है और जब आप किसी को इंटिमिडेट करते हो तो टिम का मतलब फियर है इनका मतलब अंदर यानी उसके अंदर फियर डालते हो इसीलिए इंटिमिडेट का मतलब होता है किसी को डराना इंटिमिडेटिंग एंड डॉन्टिंग डॉन्टिंग भी वही चीज है जो आपको दबा रही है इसीलिए अगर किसी चीज से आप डरते नहीं हैं और आप पे प्रभाव नहीं पड़ता तो शब्द आता है अनडॉन्टेड अनडॉन्टेड राइट कि आप उस चीज से दबे नहीं और अनइम इनसिग्निफिकेंट ट्रिवियल जो है ये इसका ऑपोजिट हो गया ट्रिवियल का मतलब क्या होता है अन मामूली ट्रिवियल शब्द एडजेक्टिव है और इससे जो बनने वाला वर्ब है वो है ट्रिवियलाइज तो अगर आप किसी भी मामले को ट्रिवियलाइज कर रहे हैं ना इसका मतलब कि उसको जितना महत्व तो दिया जाना चाहिए आप नहीं दे रहे उसको मामूली तौर पर डिस्कस कर रहे हैं यू आर ट्रिवियलाइजिंग द इशू अगला है एग्जाम्शन आसान सा शब्द है नाउन स्पेशल परमिशन नॉट टू डू और पे समथिंग आपको छूट मिली है एग्जेप किया गया है लाइबिलिटी ऑब्लिगेशन ड्यूटी एंटनीम हो गए क्योंकि जिस चीज के लिए आप ओबलाइज हैं जो आपकी ड्यूटी है वो तो आपको करनी ही पड़ेगी अगला शब्द है डिग्रेड डिग्रेड की बात करें तो यहाँ पे ग्रेड जो है वो अपने आप में ही रूट वर्ड है ग्रेड हो या ग्रेस हो और देखो इसीलिए मैं जब आपसे बात करता हूँ वो की क्लासेस में कि जो हमारा रूट वर्ड मेथड है पीआरएस मेथड है वो बहुत ही कारगर मेथड है आप देख रहे हो हम इतने वर्ड कर रहे हैं बट मेरे दिमाग में हर शब्द के साथ या कभी सिनने कोई ना कोई रूट वर्ड आ ही जाता है क्योंकि सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट वर्ड जो है ना वो लगभग रूट वर्ड वाली गणित से बनते हैं उनकी एटीमोलॉजी है उनका अपना साइंस है तो होता क्या है कि अगर आपको साइंस की समझ है ना रूट वर्ड के साइंस की समझ है रटा नहीं है आपने रटना तो कुछ होता ही नहीं मेरे साथ तो आपको इंग्लिश में कुछ नहीं रटना है ना तो ग्रामर ना ना कॉम्पेंशन में क्या ही रटोगे और ये दोनों पिलर्स हैं हर भाषा के शब्दकोश और उस शब्दों को लगाना कैसे उसका व्याकरण सिखाता है तो अगर इन दोनों पे कमांड है तो भाषा की समझ अपने आप बेहतर होती है और वो कैब का भी पूरा साइंस है ये कैसे डेवलप हुआ आसमान से शब्द नहीं टपके उनकी भी गणित होती है और इसीलिए शब्द देखते ही मेरा दिमाग में पॉपअप हो जाने लगता है तो जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं और इसमें हमारे श्रवण है यहाँ पे स्टूडेंट अभी आपको दिखाई दे रहे हैं तो इन्होंने बड़ी मेहनत से मतलब अभी पीछे मुझे नोट भेजा बहुत डिटेल मैनर में बच्चे ने मतलब दो हज़ार ढाई हजार, हजार करीब शब्द भेजे हैं मुझे जो उसने वो कैब वाली क्लासेस से लिखे हैं प्रॉपर तो कहने का क्या मतलब कि अगर सीखने वाला बच्चा है ना तो वो बहुत तेजी से सीखेगा और मैं फिर वही कहता हूँ कि मेरा काम आपको रास्ता दिखाना है वो गणित आपने पकड़ ली ना तो बहुत सारे शब्द आप खुद उसके मतलब को निकालते जाएंगे देखो नो बट इज गोइंग टू आस्क यू द हिंदी मीनिंग ऑफ एनी ऑफ दीज वर्ड्स इन एनी ऑफ द एग्जाम्स एक्चुअली द सिंपल थिंग जो आपको करना है वो क्या करना है यू आर सपोज टू डू इंटेलिजेंट गेस वर्क किसका क्या मतलब हो सकता है रीडिंग कर रहे हो उसमें भी शब्द मिल रहे हैं यही काम करना है किसका क्या मतलब हो सकता है कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे तो कभी भी आर्टिकल्स में ना परेशान नहीं होना कि आई एम नॉट अवेयर ऑफ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड अभी क्या करूं क्योंकि तो जैसे भी हमारे एक भाई अंकुश पूछ रहे थे ना यहाँ पे कि सर रीडिंग कैसे करें आपको ऐसा नहीं कि पता नहीं है रीडिंग करना चाहिए बचपन से बोला गया अब आई शुड रीड न्यूज़पेपर्स दिस एंड दैट बट जैसे ही आप न्यूज रीड करना शुरू करते हो ना बड़े सारे बैरियर्स आ जाते होंगे वो बैरियर में पहला वो कैब फिर ग्रामर स्ट्रक्चर नहीं समझ आ रहा तभी तो यहाँ स्ट्रक्चर पे इतना फोकस कराता हूँ कि भाई देखो ये नाउन फ्रेज है एडजेक्टिव क्लॉज है एडवर्बियल फ्रेज है क्यों कराता हूँ क्यों क्योंकि ये सब भी आपके ज्ञान में नहीं है ग्रामर भी आपने रूल रट के पढ़ लिया तो फिर नज़र ही नहीं आता आपको वो फिर बच्चों को लगता है कि ये मेरे बस का नहीं है यार छोड़ो ना फिर हमारा मन खराब हो जाता है तो किसी भी चीज़ के इलाज से पहले ना बीमारी क्या है वो समझा करो कि क्या दिक्कत है चले कल एक जेनरिक सेशन मैंने बैंकिंग के लिए बनाया ऐसे आपकी जो भी बीमारियां हैं समस्याएं हैं परेशानियां हैं अंग्रेजी से संबंधित उन सभी के बारे में छोटे छोटे सेशंस आपको ज्ञान सेशंस यहां पे मिलेंगे चलिए जी तो डिग्रेड करना नीचे ले आना टू लोअर इन डिग्निटी और एस्टिमेशन ब्रिंग इन टू कंटेंट कंटेंट का मतलब अनादर होता है कंटेम ऑफ कोर्ट आप सुनते हैं कोर्ट की अवमानना और ऐसे एक शब्द और आता है पर्जरी जो शब्द अभी स्वामी रामदेव वाले केस में कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने इस्तेमाल किया परजरी के चार्जेस लगाए गए लगा तो आप ह्यूमिलिएट कर रहे हैं डिसग्रेस कर रहे हैं डिसऑनर कर रहे हैं ऑपोजिट कर हो गया, एलिवेट करने का मतलब उठाना, प्रेस करना ही दे वर डिग्रेडिंग हिम मेकिंग हिम रिपोर्ट टू द सुपरवाइजर उसने ये महसूस किया कि वो उसको डिग्रेड कर रहे हैं क्या करके बाई मेकिंग हिम रिपोर्ट टू द सुपरवाइजर की वो सुपरवाइजर को जाकर रिपोर्ट करे इसका मतलब उसकी पदोन्नति हो रही है चले आते हैं आर्टिकल पे अ डेंजरस गेम अ डेंजरस गेम इन फेब्रवरी दिस ईयर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंटेम नोटिस अगेंस्ट पतंजलि आयुर्वेद फॉर पब्लिशिंग मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट दैट वर इन डायरेक्ट ऑफ ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज

वही है कोर्ट में झूठ बोलना जो है वही परजरी है अच्छा मैंने अभी अवमानना उसका कंटेम्प्ट वाला बोल दिया ना कोर्ट कंटेम्प्ट अनादर है और परजरी जो है वो वही है कि कोर्ट में झूठ बोलना आर पी मिशन सर आई एम इंग्लिश स्पेशल वन जीरो फाइव बैच स्टूडेंट प्लीज़ सर आई बी एस सी आई टू के लिए गाइड कर दीजिए यूट्यूब पर वीडियोस देख कर परेशान हो गया हूँ ओके ओके आर पी Discuss. so, इस साल फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कंटेम नोटिस जो है पतंजलि के खिलाफ जो है वो जारी किया किस लिए फॉर पब्लिशिंग मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट दैट वर इनडायरेक्ट वायलेशन ऑफ ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एडवर्टीजमेंट एक्ट 1954 एंड इट्स रूल्स डिस्पाइट द कंपनीज टू द कोर्ट इन नवंबर लास्ट ईयर दैट इट वुड नॉट डू सो तो इस साल फरवरी में अब देखो इन फेबर दिस ईयर ये क्या हो गया ये आपका एडवर्बियल फ्रेज ये एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम है क्योंकि ये किसकी बात कर रहा है समय की बात कर रहा है अब कोई बच्चा अगर मान लो वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाले चश्मे से देखता है उसको लेकर अच्छा सब्जेक्ट कहाँ गया सेंटेंस के शुरू में तो सब्जेक्ट होता है नहीं भाई जो एडवर्बियल्स होते हैं वो सेंटेंस के शुरू में भी लग सकते हैं लास्ट में भी लग सकते हैं मैं आपको ये भी कह सकता हूँ आई मेट यू यस्टरडे या आई मेट यू लास्ट वीक और मैं ये भी बोल सकता हूँ लास्ट वीक कॉमा आई मेट यू सो बोथ थिंग्स आर पॉसिबल तो जो हमारे एडवर्बियल्स होते हैं चाहे वो एडवर्बियल फ्रेज ऑफ इंडिया ये सब्जेक्ट हो गया इशू किया क्या इशू किया एक ये हो गया ऑब्जेक्ट किसके अगेंस्ट पतंजलि किस काम के लिए फॉर पब्लिशिंग मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट अब देखो ये अगर मैं पूछूं ये क्या है फॉर पब्लिशिंग मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट ये किस तरह का फ्रेज है इसको नाउन फ्रेज बोलोगे एक्चुअली काम किसका कर रहा है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन यहां पे प्रपोजिशन क्या है ये है फॉर ठीक है और पब्लिशिंग जो है अब नाउन फ्रेज तो है ये लेकिन पब्लिशिंग को अगर मैं पूछूं तो पब्लिशिंग क्या है पब्लिशिंग है जिरंड ये है जिरंड पब्लिशिंग एक्टिविटी हो गई कि किस काम के लिए पब्लिश करने के लिए और ये मिसलीडिंग क्या है भाई ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल तो लेते हैं एडवांस है तो जो, जो है, है है एडवर्टीजमेंट क्यों? अपने आप में नाउन है तो नाउन को डिस्क्राइब करना पड़ेगा ना, किस तरह का एडवर्टीजमेंट और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट तो कोर्ट ने जो है उनके खिलाफ कंटेम का नोटिस जारी किया पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ किस लिए मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट पब्लिश करने के लिए जिरंड एक्टिविटी होती है नाउन हो गया ना वो और अब आगे देखो दैट वर इनडायरेक्ट violation ऑफ द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 अब मैं अगर आपसे पूछूं यहां से लेकर के यहां तक जो लिखा है ये क्या है भाई तो ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गया ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गया क्यों क्योंकि ये मिसलीडिंग uh, एडवर्टीजमेंट इस एडवर्टीजमेंट को डिस्क्राइब कर रहा है इस नाउन फ्रेज को डिस्क्राइब कर रहा है जो कि डायरेक्ट वायलेशन में थे किसके आप द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट नाइन एंड इट्स रूल्स डिस्पाइट द द कंपनीज एश्योरेंस टू कोर्ट इन नवंबर लास्ट ईयर की ऐसा नहीं करेगी ऑन ट्यूजडे द अपेक्स कोर्ट अब आपको पता है अपेक्स का मतलब होता है शीर्ष यानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही इशारा है सुप्रीम कोर्ट को ही अपेक्स कोर्ट कहा गया द अपेक्स कोर्ट टर्न हीट बाय थ्रेटनिंग पतंजलि को फाउंडर बाबा रामदेव विद पर्जरी प्रोसीडिंग्स इन अडिशन टू कंटेम्प्ट देखो दोनों चीजें यहां पे आ गई तो अपेक्स कोर्ट टर्न अपट बाई थ्रेटनिंग पतंजलि फाउंडर एकदम बहुत ही कड़े शब्दों में उस दिन बात हुई थी तो जबकि उन्होंने बैलेंस करने की भी कोशिश करी उन्होंने तारीफ भी करी कि नहीं ठीक है जी आपका योग में जो है वो योगदान है विश्व स्तर पर आपने पहुंचाया इतने लोगों तक स्वास्थ्य पहुंचाया दैट इज गुड थिंग बट डेफिनेटली देश में कानून से ऊपर कोई भी नहीं है ना तो वो वो संदेश सुप्रीम कोर्ट बड़े साफ तरीके से बता रहा है और जो कि बहुत जरूरी भी है एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाएं हैं लोगों का विश्वास उसमें तभी बना रहेगा जब इस तरह की गतिविधियां होंगी तो कोर्ट यह एहसास लगातार करा रहा है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है अच्छी खासी फटकार लगाई गई थी तो इसीलिए थ्रेटन किया बाबा रामदेव को विथ पर्जरी प्रोसीडिंग्स कि भाई आपके खिलाफ पर्जरी प्रोसीडिंग्स चलेंगे आपने कोर्ट में झूठ बोला है इन एडिशन टू कंटेम्प्ट तो हमारी बात को तो हवा में आपने ले लिया हल्के में ले लिया साथ ही साथ जो आपकी एफिडेविट थी वो भी वो उसमें उस भी गलतियां थी आपने कोर्ट में झूठ बोला द टू मेंबर बेंच अगेन केम केम डाउन डाउन अब देखो का क्या मतलब है जब आप किसी को भर भर के क्रिटिसाइज करते हैं यह मतलब हो गया केम डाउन हैविली का सो द टू मेंबर बेंच अगेन केम डाउन हैविली ऑन द गवर्नमेंट दिस टाइम फॉर टर्निंग अ ब्लाइंड आई वेन द कंपनी वॉज प्रमोटिंग इट्स प्रोडक्ट एज अ पनीशिया

ंग द कोविड नाइनटीन पैंडेमिक इन ब्लाटेंट वायलेशन ऑफ द एक्ट तो ब्लैटेंट जो है ये भी हाई डिग्री का नेगेटिव वर्ड है डेफिनेटली एडजेक्टिव है वायलेशन उल्लंघन ब्लैट वायलेशन का मतलब क्या होता है वो कहते ना चोरी और सीना जोरीटेंट मतलब एकदम मुंह पे ही तुम गलत काम करोगे जो करना है कर लो टाइप वो वाला एटीट्यूड होता है ब्लैटेंट जैसे कहते हैं ना ब्लैटेंट लाई किसी के मुंह पे तुम झूठ बोल रहे हो और साफ साफ पता लग रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो पर तुम्हारे झूठ में भी बड़ा कन्विक्शन है तो मैं चोरी भी करूंगा लेकिन सीना जोरी के साथ

Accomplish कौन होता है किसी भी नेगेटिव एक्ट में किसी भी क्रिमिनल एक्ट में जो आपका सहयोगी होता है वो आपका अकॉम्प्लिश होता है ठीक है और दूसरा अकॉम्प्लिस है पी एल आई एस एच वो आप जानते हो वो वर्ब है तो ये नाउन है और ये जो शब्द है वो आपका वर्ब है अकॉम्पलिश करने का मतलब किसी चीज को सक्सेसफुली कंप्लीट करना इसी वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है वो किसी की तारीफ के लिए यूज होती है लाइक हीस्ड ऑथर अकॉम्प्लिस्ड एक्टर यानी जिसने अपनी फील्ड में बहुत कुछ हासिल किया है तो यहां पे जो तो शब्द है कॉम्प्लिसिट यहीं से आता है कॉम्प्लिसिटी शब्द देखो यही कॉम्प्लिस यही है तो कॉम्प्लिसिटी का मतलब होता है किसी अपराध में आपकी संलिप्तता राइट कॉम्प्लिसिटी ऑफ सज्जन कुमार एंड जगदीश टाइटलर इन 1984 सिख जेनोसाइड इन डेली ये बहुत बार यूज होता है तो कॉम्प्लिसिटी यानी आप अपराध में संलिप्तता आपकी पाएगी और कॉम्प्लिसिट क्या हो गया संलिप्त तो वही है कि कोर्ट ने गवर्नमेंट को यह कहा है द गवर्नमेंट टू वो एक एफिडेविट फाइल करे टू डिस्पेल द इंप्रेशन को डिस्पेल करने के लिए कि complice, कि दैट इट सरकार भी भागीदार थी इस गड़बड़ी में क्योंकि तो जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई थी जून 2020 में तो भारत सरकार के दो मंत्री भी थे बैठे हुए स्वामी रामदेव के साथ और ऐसे में डेफिनेटली जनता के अंदर ज्यादा विश्वास पैदा होता है उस समय के आ, अगर मैं गलत नहीं हूं तो स्वास्थ्य मंत्री बैठे थे और मंत्री जी बैठे थे तो इससे जनता को लगेगा अच्छा सरकार का सपोर्ट है क्योंकि सरकार के दो मंत्री जो हैं रिप्रेजेंटेटिव हैं वो बैठे हुए तो सरकार को भी फटकार लगी है, inform, कि सरकार, ने nothing, देखो, ये है। सरकार ने कुछ नहीं किया लोगों को कि कोरोनिल कि कोविड दूर हो जाएगी बल्कि क्या था एज क्लेम्ड बाई द कंपनी इन जून ट्वेंटी ट्वेंटी कंपनी तो यही क्लेम किया था ये क्योर है बट ओनली अ सपोर्टिंग मेजर इन कोविड नाइन्टीन जैसे हम बहुत सारे काम कर रहे थे कोविड से लड़ाई लड़ने के लिए अपने डेली बेसिस पे चाहे वह सुरक्षा संरक्षा काढ़ा पीना ये वो तो ये सब सपोर्टिंग मेजर थे तो सरकार को ये क्लियर करना चाहिए था कि भाई ये सपोर्टिंग मेजर ये दबाव भी है लेकिन कंपनी क्या, क्या क्लेम कर रही थी कि ये जो है ये आपका क्योर है इन फेबर ट्वेंटी ट्वेंटी वन

मेड द कंपनीज क्लेम्स अब यहां पे देखो इन फेवरी ट्वेंटी ऑफ हर्षवर्धन अलॉन्ग विद नितिन गडकरी एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज बाई पतंजलि टू प्रमोट कोरोनिल मेड द कंपनीज क्लेम्स अब इतना सारा यहां से लेकर के ना ये जितनी बातें लिखी हैं ये मेड के पहले लिखी हुई हैं यानी ये सारा का सारा सब्जेक्ट हो गया इस वर्ग के लिए तो मेड द कंपनीज क्लेम्स साउंड वेरी क्रेडिबल लोगों को ये लगने लग गया कि कंपनी जो दावा कर रही है वो बड़ा ही क्रेडिबल है भाई विश्वसनीय है क्रेड का मतलब ही ट्रस्ट भरोसा होता है क्रेडिबल इनक्रेडिबल क्रेडिट क्रेडेंशियल सो बहुत ही क्रेडिबल है ये एम्बोल्डेड बाय द एब्सेंस ऑफ पेनल एक्शन बाय द कोर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द फॉल्स क्लेम दैट कोरॉनियल कुड क्योर कोविड-19 द कंपनी वेंट ऑन एन एडवर्टाइजमेंट स्प्री इन 2022

इस फॉल्स क्लेम के लिए कि कोरोनिल जो है वो कोविड नाइनटीन को क्योर कर सकती कंपनी को और ताकत मिल गई द कंपनी वेंट ऑन एन एडवर्टीजमेंट स्प्री स्प्री का मतलब क्या होता है कोई चीज भर भर के करो फिर कंपनी भर भर के एडवर्टीजमेंट देने लग गई 2022 में ये दावा करते हुए क्लेमिंग कि जो इसके प्रोडक्ट्स हैं कुड क्योर मेनी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड कंडीशंस कि भाई हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो बहुत सारे जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं और कंडीशंस हैं मेडिकल कंडीशन हैं उनको हम क्योर कर सकते हैं द डेनिग्रेटेड एंड डिराइडेड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन एलोपैथी ये एडवर्टीजमेंट और क्या कर रही थी डेनिग्रेट कर रही थी नीचा दिखा रही थी और उनका मजाक बना रही थी डिराइड में देखो आर आई डी जो है ये रूट वर्ड है एक्चुअली आर आई डी और आर आई एस जो है ना इसका मतलब ही होता है किसी को मॉक करना किसी का मजाक बनाना यहीं से आपके पास शब्द आता है डिरीजन डिरीजन ठीक है यहीं से शब्द आता है डिराइजिव रिमार्क्स आपने किसी के लिए पास किए राइजेबल और यहीं से आता है रिडिक्यूल करना सब जानते होंगे रिडिक्यूल शब्द तो सुना ही होगा रिडिक्यूल का मतलब मजाक बनाना इसी रिडिक्यूल वर्ब से आपके पास एडजेक्टिव आता है रिडिक्यूलस कॉमेंट तो जो एलोपैथी है ना एविडेंस बेस्ड मेडिसिन एलोपैथी उसका मजाक भी बनाया गया और इसीलिए आई ए की तरफ से केस लड़ा गया

शॉप एंड आई डिस क्योंकि वन तो नॉट टू एडवर्टाइज पर्मानेंट क्योर्स की भैया आप दवाओं में ये मत बोलो कि जो हम दवा दे रहे ना ये परमानेंट क्योर है और थ्रेट इन किया एक कि एक करोड़ की पेनल्टी हर उस प्रोडक्ट पर लगेगी जिसके लिए ऐसे क्लेम्स आपने बनाए हैं राइट right? कि भाई ये परमानेंट क्योर है तो एक करोड़ रुपए

कंटेंट uh, नोटिस जो हैं वो इशू करें अब मुझे ये बताओ कि आपको वैसे आसान सा था रिलेटेबल था क्योंकि पब्लिक डोमेन में है तो आप सभी को समझ भी आ गया होगा मुझे नहीं लगता कि कोई uh, ज़्यादा डिफरेंस होगा मेरे समझाने के बाद जो समझ आया जो आपको खुद समझ आया बट कमेंट जानना चाहता हूँ मैं ज़रूर

कोर्ट इशूम्प्टोटिस इन फेब्ररी चले तो समरी आप खुद भी समझ गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नोटिस टू पतंजलि आयुर्वेद फॉर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स वायलिंग द ड्रग्स एंड मैजिक रेमडीज एक्ट फिफ्टी फोर डिस्पाइट टू द कोर्ट द कंपनी कंटिन्यू टू प्रमोट इट प्रोडक्ट अर ऑल पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द कोविड नाइनटीन पेंडेमिक पैंडेमिक में भी देखो डेम जो है वो रूट वर्ड होता है डेम का मतलब पीपल पैन का मतलब बड़े पैमाने पे तो कोई भी बीमारी या समस्या या प्रॉब्लम अगर बड़े पैमाने पे लोगों को अपना शिकार बनाए तो उसे पैंडेमिक कहा जाता है द गवर्मेंट्स लैक ऑफ एक्शन एंड प्रेजेंस एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रमोटिंग कॉनल फॉल्सली क्लेम्ड एज अ कोविड नाइन्टीन क्योर लेंट क्रेडिबिलिटी टू कंपनीज क्लेम्स तो गवर्नमेंट्स का जो लैक ऑफ एक्शन रहा और दो दो मंत्री बैठे रहे कोरोनल के प्रमोशन में तो ये ये चीज गलत थी लेंट क्रेडिबिलिटी टू द कंपनीज क्लेम्स इससे कंपनी के क्लेम को क्रेडिबिलिटी मिल गई कि भाई दो मंत्री लोग भी बैठे हुए हैं द कंपनी एम्बॉल्डेन बाय द लैक ऑफ पीनल एक्शन एडवर्टाइज क्योर्स फॉर मेनी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज तो कोई पीनल एक्शन कंपनी पे हुआ नहीं तो कंपनी को आ गई ताकत एम्बॉल्डन बोल्ड हो गई कंपनी की अब तो कोई कुछ करेगा नहीं तो उन्होंने एडवर्टाइज़ किया और सारी बहुत सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज जो कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन जो हमारी एलोपैथी है उसको उन्होंने डेनिग्रेट किया

तो वही है जब बिल्कुल ब्लैटेंटली आप किसी के डिसरिस्पेक्ट करें कंटेम्प्ट दिखाएं तो वो हो जाता है कॉकिंग अ स्नूक आ जाओ अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ पहला क्वेश्चन व्हाट इज द द द मेन थीम ऑफ पैसेज सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ऑन अ रीसेंट केस द गवर्नमेंट्स रोल इन प्रमोटिंग पतंजलिज प्रोडक्ट्स द इफेक्टिवनेस ऑफ पतंजलिज प्रोडक्ट्स एंड पतंजलिज मिसलीडिंग एंड द लीगल कॉन्सिक्वेंस पतंजलिस मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स एंड द लीगल कॉन्सिक्वेंसेस पूरी की पूरी थीम इसी के ऊपर है राइट व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज न्यूट्रल पॉजिटिव नेगेटिव इनडिफरेंट तो डेफिनेटली यहां पे नेगेटिव ही है क्योंकि क्रिटिसाइज कर रहा है जो ऑथर है एडिटर है जिसने ये एडिटोरियल लिखा है राइट right? पतंजलि आयुर्वेद को की पूरी क्रिटिसिज्म है कि भाई उसने मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स जो हैं वो लोगों के सामने लेके आए वो और साथ ही साथ सरकार का भी पक्ष आ गया कि सरकार ने उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया प्लस सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की उन्होंने राइट बार बार सुप्रीम कोर्ट की बातों को बिल्कुल तवज्जो नहीं दी इन चीज़ों को लेकर के पैसेज जो है बहुत क्रिटिकल है न्यूट्रल बिल्कुल भी नहीं है पॉजिटिव भी नहीं है और इनडिफरेंट आपको पता है जिसको फर्क ही ना पड़े What action did the Supreme Court of India take against Patanjali Ayurved in February? The court issued a notice of appreciation for their work during the pandemic. The court issued a contempt notice for publishing misleading advertisements. It issued a notice to increase the production of Coronil. The court issued a notice to collaborate with the government for better health care. The court issued a contempt notice for publishing misleading advertisements. What was the reaction of the Supreme Court when Patanjali promoted its products as a panacea during the COVID-19 pandemic? The court praised the company for its efforts, the court ignored the company's claims, the court threatened the company's co-founder with perjury proceedings, and the court asked the company to increase the production of its products. So court threatened the company's co-founder with perjury proceedings.

स्वामी जी खुद कर रहे थे बट मंत्री लोग बिठाए गए थे लेकिन सरकार की गलती क्या है कि भाई द गवर्नमेंट डिड नॉट इन्फॉर्म द पीपल दैट नॉट अ क्योर इट्स जस्ट अ सपोर्टिंग मेडिसिन एज सिंपल दैट इज ऑफ द वर्ड क्रेडिबल एंड एंटीम ऑफ द वर्ड एम्बॉल आज देखो आज क्वेश्चन का पैटर्न बदल गया है थोड़ा तो आपको उस ऑप्शन के साथ जाना है जिसमें क्रेडिबल का सिनेम हो पहला वर्ड और दूसरा वर्ड एम्बॉल का एंटनीम हो तो जो चीज़ क्रेडिबल है वो प्लॉजिबल है वो उस पर भरोसा होता है आपको वो चीज़ प्लॉजिबल है और साथ ही साथ एम्बॉल्डन करने का मतलब आप उसको और मजबूत बना रहे हैं बोल्ड बना रहे हैं तो उसका एंटनीम क्या होगा डिसक्रेज होगा तो डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है ठीक है साफ साफ दिख रहा है आपको बाकी सारे के सारे जो ऑप्शन हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे क्रेडिबल अनयूजल अनलाइकली इम्प्रॉबिबल ये तो बिल्कुल सिनोनिम नहीं है तो एलिमिनेट करना बहुत आसान होता है

करेक्ट ऑप्शन इज मर्केंटाइल एंड ओबीडियंस तो मर्केंटाइल का मतलब ही होता है जो चीज़ कमर्शियल हो मर्चेंट्स है व्यापारी से दिमाग में रख सकते हो आप और ओबीडियंस जो है डिफाइंस का ऑपोजिट हो गया बिकॉज डिफाइंस में आप सामने वाले को चैलेंज कर रहे हैं और ओबीडियंस में आप बिल्कुल कंप्लाइंट हैं आज्ञा का पालन कर रहे हैं यहाँ पे हम कम्पलायंस वर्ड भी लिख सकते हैं In February this year, the Supreme Court of India issues a contempt notice against Patanjali Ayurved for publishing misleading advertisements that were in direct violation of the Drugs and Magic Remedies Objectionable Advertisements Act 1954 and its rules, despite the company's assurance to the court in November last year, that it would not do so, contains an error. नजर आ गया शुरुआत में ही हाँ वेरी गुड इशूड है ना इशूज क्या है इशू करता है थोड़ी इशू किया फेब्रवरी दिस ईयर की बात हो रही है तो इशू किया तो ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है इसी में एरर था ग्रामेटिकली इनकरेक्ट यहां लिखा हुआ है इन नवंबर ये क्या होना चाहिए ऑन नवंबर ट्वेंटी वन ट्वेंटी थ्री द कोर्ट बॉन्ड द कंपनी नॉट टू एडवरटाइज परमानेंट क्योर्स ठीक है जब आप डेट की बात कर रहे हैं ना तो वहां पे ऑन आ जाएगा इन फेबर ट्वेंटी ट्वेंटी वन ये सब बिल्कुल ठीक है बाकी किसी सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है क्लियर है चलो एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन टाइप्स जो भी नए लोग हैं पहली बार देख रहे हैं देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये होता है ना कि अगर सारे सेंटेंसेज एक एक बार में अलग अलग पढ़ोगे तो आपको फिर एरर नजर नहीं आता लेकिन वाइल द गवर्नमेंट हैज़ द गवर्नमेंट टू फाइल वाइल्ड द गवर्नमेंट हैड है गज द गवर्नमेंट हैज द गवर्नमेंट हैज़ अब देखो यहाँ पे एक में हैड मिल गया ना तो आपको तुरंत नजर आ जाता है तो करना क्या होता है कि चारों ऑप्शन के जैसे जो पहले सेंटेंस हैं उनको एक साथ देखो दूसरे सेंटेंस को एक साथ देखो तो आपको ऑटोमेटिकली हेल्प मिल जाती है सोचने के लिए एक एंकर मिल जाता है सहारा मिल जाता है कि यार यहाँ पे मैं सोच सकता हूँ ये प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा या पास्ट परफेक्ट में जाएगा तो एलिमिनेशन शुरू हो जाती है चलो अब आंसर बता दो तो से तो यहीं पे कहानी खत्म हो गई अब आगे जो बाकी के तीन है ना अब उनको आगे पढ़ना है टू फाइल एन एफिडेविट टू डिस्पेल द दैट इट दॉज कॉम्प्लिसिट द फैक्ट इज दैट द गवर्नमेंट डिड ऑलमोस्ट नथिंग और यहां पे देखो लिखा हुआ द गवर्नमेंट डू ऑलमोस्ट नथिंग तो बस ये भी यही अब इसको आगे इसको नहीं पढ़ना अब इनके बीच को आपको आगे पढ़ना डिड ऑलमोस्ट नथिंग फॉर इनफॉर्म और टू इनफॉर्म तुरंत आपकी बुद्धि खुल गई डिड ऑलमोस्ट नथिंग टू इन्फॉर्म नॉट की फॉर इन्फॉर्म अब देखो पूरा सेंटेंस अभी हमें यहां तक पढ़ने की जरूरत नहीं थी वहां तक पहुंचते पहुंचते हम करेक्ट ऑप्शन पे पहुंच गए कि डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है ठीक है तो अब बताइए भाई आपका स्कोर कार्ड क्या है मजा आया आज आज मुझे लगता है काफी लोगों का सही होगा और फिर से याद दिला रहा हूं बिल्कुल नया चैनल है चैनल को जल्दी से जल्दी बड़ा करना आपका काम है ठीक है तो आज शाम तक ये ढाई हज़ार तीन हज़ार पहुँच जाए सब्सक्राइबर अभी मुझे कितने दिख रहे हैं वन पॉइंट थ्री फाइव नाइन एट नाइन टेन टेन टन टेन एट सेवन नाइन टेन एट 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 सेवन एट एट चलो बहुत बढ़िया और इसके नोट्स जो हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाते हैं करियर वेल पे भी अपलोड होते हैं तो वहाँ से आप ले सकते हैं टेलीग्राम चैनल मेरे टेलीग्राम चैनल को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे आप देखें जो क्यूआर कोड है आप इसको एक्सेस कर सकते हैं इसको स्कैन कर सकते हैं वहाँ से आप पहुँच जाएंगे और बाकी जो अभी दो कोर्सेज अवेलेबल हैं वो आप देख लें एक तो ये हमारा बैंकिंग स्पेशल बैच है ये बिल्कुल नया बैच है सभी तरह के बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर एग्जाम्स के लिए और बिल्कुल लास्ट में आप देखेंगे तो जिन लोगों की ग्रामर बिल्कुल हिली हुई है मतलब पढ़ने के बाद भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता आप ग्रामर को रिलेट नहीं कर पाते सेंटेंस स्ट्रक्चर को नहीं समझ पाते तो उनके लिए बैच है ये कंप्लीट बैच है ग्रामर बूस्टर बैच यहाँ पे ग्रामर प्राइमर अभी हम कर रहे हैं फाउंडेशन कर रहे हैं जहाँ पे सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के फंक्शनल आस्पेक्ट को मैं ब्रश अप कर रहा हूँ आपके लिए कि आप उसके प्रयोग को समझ पाएँ उसको आइडेंटिफाई कर पाएँ उसके बाद सारे जितने भी चैप्टर्स हैं आपके सिलेबस में यानी नाउन प्रोनाउन वर्ब टेंस एडजेक्टिव एडवर्ब प्रपोजिशन कंजंक्शन आर्टिकल राइट वाइस नरेशन सब कुछ इसमें इस बैच में कवर होगा डिटेल्ड मैनर में अट्ठारह सौ से दो हज़ार के करीब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बहुत ही नॉमिनल फीस है इस बैच की कहाँ गई फीस यहाँ पर दिख रही है आपको और ये फीस अपलिकेबल होगी जब आप करियर वेल डॉट कॉम जो वेबसाइट है वहाँ से लेंगे शायद ऐप से थोड़ा बहुत ऊपर आपको मिले वही कहानी बैंकिंग बैच में भी है उसकी फीस बहुत नॉमिनल है और सब तरह के एग्जाम को आप टारगेट कर सकते हैं तो अभी दोनों ही ये बैच नए हैं ये इस पर्टिकुलर क्लास में ही इसीलिए अटैच हो जाता है बिकॉज आप बार बार बीच बीच में सवाल ना पूछें मैं चाहता हूँ जब हम पढ़ें तो बीच में बैचेस को लेकर और चीज़ों को लेकर के बातचीत ना हो तो इसीलिए ऐड कर देता हूँ और लास्ट में आपको एक मिनट बात कर लेता हूँ इससे ठीक है हाँ करियर विल ऑफिशियल पूछ रहे सर बैच में एट सेवन फोर दिख रहा है तो वो इसीलिए दिख रहा है क्योंकि आप ऐप से जाके ले रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ दिस फी एप्लीकेबल ओनली थ्रू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट करियर विल डॉट कॉम तो उसका फ़ायदा उठाइए जाइए वहाँ से परचेज कर सकते हैं आप प्रैक्टिस वाली क्लास स्टार्ट कर दो इवनिंग क्लास वो भी बहुत जल्द होगी और इस पर्टिकुलर चैनल पे भी आपको बहुत जल्द जो है डेली क्लासेस मिलनी शुरू होंगी होपफुली नेक्स्ट वीक से राइट सारे सब्जेक्ट की इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग बैंकिंग अवेयरनेस करंट अफेयर सब कुछ इस चैनल पे मिलेगा बैंकिंग से संबंधित और बाकी जो मेरा यूट्यूब चैनल है वहाँ पर भी प्रैक्टिस आपकी शुरू होगी ज्ञान चर्चाएँ वहाँ पर बहुत जल्द शुरू हो जाएंगी ठीक है वो कैब बैच रिक्वायर्ड है ओके जी कोई बात नहीं वो क्या का थोड़ा थोड़ा ज्ञान है यहाँ पे इसीलिए मैं रूट वर्ड आपको दिखाता रहता हूँ कि थोड़ी समझ हो उस बैच को भी लेके कर आऊँगा चलिए तो कुछ भी अच्छा लगा हो सेशन को लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा दोस्तों मित्रों को बता दीजिए रोज सुबह आकर के यहाँ पे जुड़ें और भरपूर फायदा उठाएं ठीक है चलो बिल्कुल आर मिश्रा जी मैंने देख लिया आपका मैसेज और मैं एक बार देख लूँगा क्या कुछ है उसमें और क्या कुछ आपके लिए कर सकता हूँ यूट्यूब पर ठीक है सर एरर्स का प्रैक्टिस बैच भाई ये जो ग्रामर का बैच है एरर का ही बैच हो जाता है ना एक तरह से तो यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ोगे पूरे नाउन का ज्ञान प्रोनाउन का ज्ञान बिना रटे हुए रूल रटने वाली पढ़ाई नहीं हर चैप्टर को आप समझोगे और ढंग से क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ये प्रैक्टिस बैच भी है ज्ञान बैच भी है इतनी फीस में अलग से प्रैक्टिस का कोई बैच नहीं आया ये ज्ञान प्लस प्रैक्टिस बैच है मैंने ऑलरेडी कहा अठारह से दो क्वेश्चन लाइव क्लास में प्रैक्टिस होंगे तो सब कुछ तो कवर हो गया एक कंप्लीट बैच है ठीक है चलो थैंक यू अवरीवन थैंक यू वेरी मच फिर से रिमाइंड करा दे रहा हूँ लास्ट स्लाइड भी होती है हमारी क्या थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो और लाइक कॉमेंट एंड शेयर दिस वीडियो वो तो आप करेंगे करेंगे लेकिन नया क्या ऐड हो गया सब्सक्राइब द चैनल एज वेल बिकॉज द चैनल इज न्यू आपका ही सपोर्ट चाहिए इसके लिए चलो थैंक यू थैंक यू एवरी